3, 2, 1. नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशाल यादव ने ली अधिकारियों की मीटिंग। जन अभियान सहित सफाई अभियान की मॉनिटरिंग के साथ ही विभिन्न कार्यों के दिए निर्देश। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को अजमेर नगर निगम कार्यालय के सभागार में निगम आयुक्त डॉक्टर खुशाल यादव की सदारत में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की जानकारी देते हुए उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि मीटिंग में 10 जोन में विभाजित अजमेर शहर में जन अभियान के तहत अधिकारियों को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक फील्ड में रहकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के निर्देश के साथ ही इसकी जानकारी मोबाइल ऐप पर पूरी सूचना के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 10 जोन में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अजमेर शहर में पॉलीथीन को पाबंद करने के लिए थोक पॉलीथीन विक्रेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यादव ने बताया कि यह व्यवस्था एकदम नहीं हो पाएगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। दुकानदार और ग्राहकों को कागज व कपड़े की थैली उपयोग में लाने की आदत डालनी होगी। कार्रवाई से पूर्व इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आज ये आयुक्त महोदय ने जो मीटिंग ली है, एक तो अभी जो जिस तरीके से 2 अक्टूबर से कोरोना के विरुद्ध जो जन जागरण किया जा रहा है, इसके तहत जो भी हमारी निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, एक तो मीटिंग उस संबंध में ली थी और सभी को जो 10 जोन बनाए हुए हैं, 10 जोन पे जो कर्मचारी अधिकारी लगाए हुए हैं, उन्हें पाबंद किया है कि सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक अपनी फील्ड में रहेंगे। और फील्ड में रह के एक जो ऐप है, मास्क का जो ऐप है, तो उस मास्क लगाए हुए ऐप के ऊपर इसकी सूचनाएँ हमें देनी है और इसको कंटिन्यू करना है और इसको बड़ी एक तरीके से गंभीरता से लेके इसको अभियान को चलाना, जो शनिवार और इतवार को भी चलेगा। साथ ही हमारे जो भी वर्तमान में दिवाली पर्व को देखते हुए जो विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उस संबंध में भी मॉनिटरिंग मीटिंग थी। और विशेष सफाई अभियान के तहत जो 2 वार्ड रोज डेली हो रहे हैं और उसके अलावा 10 जोन में जो हमारे अधिकारी लगाए गए हैं, जो सफाई अभियान के तहत हमें एक चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट अनुसार पूरी सूचना भर के वहाँ देते हैं, तो उन सभी अधिकारियों को पाबंद किया गया कि अपने वार्ड में जाएंगे और इस तरीके से जो भी सफाई की जा रही है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और मॉनिटरिंग के साथ साथ ही प्रतिदिन जो भी अभियान में विशेष सफाई हो रही है, और विशेष करके सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि जिस संबंधित वार्ड में विशेष सफाई अभियान चल रहा है, तो वहाँ जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको विश्वास में लेवें, उनसे जानकारी लेवें, और जो वहाँ पे जो ऐसी संस्थाएं हैं या जो सोसाइटीज हैं, जो कोई कमेटियाँ और मोहल्ला समितियाँ वगैरह बनी हुई है, इन लोगों को वहाँ विश्वास में लेके और जिस दिन वहाँ पे सफाई अभियान चलना है उससे 1 या 2 दिन पहले उनसे जानकारी प्राप्त करें कि उन्हें उनके वार्ड में कहाँ कहाँ विशेष सफाई की आवश्यकताएँ हैं और उनको भी प्राथमिकता से पूरा करें। और ये आज डायरेक्शन दिए गए इसी संबंध में आज मीटिंग में अभियान भी चलाया जाएगा। बिल्कुल, वो उसमें आप अभी जो मीटिंग था सफाई ये सर्वेक्षण का मीटिंग था, इसी में यही था कि पॉलीथीन वगैरह को है ज़्यादा से ज़्यादा जब्त करें। और इसके संबंध में हम आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे अजमेर शहर की जनता को ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमें इसकी सूचना दें। नगर निगम के किसी भी अधिकारी की वेबसाइट से फ़ोन नंबर लेके आयुक्त महोदय को, उपायुक्त को इस संबंध में सूचना दें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ उन्हें निश्चित रूप से प्रोत्साहन देने के लिए कोई न कोई एक पुरस्कार दिया जाएगा और इस तरीके से उनको जो हमारे को बल्क रूप में
ये तो नहीं कि किसी थैले वाले की 1 किलो पकड़ ली 2 किलो के लिए थैला पकड़ रहा है, बल्क रूप में जो ज़्यादा से ज़्यादा आती है वो पॉलीथीन की अगर हमारे को कोई सूचना देगा तो निश्चित रूप से हम उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ प्रदान करेंगे और नाम भी उनका गुप्त रखा जाएगा। पृथ्वीराज मार्ग स्थित SBI बैंक के बाहर ग्राहकों का हंगामा, कैश डिपॉजिट मशीन में अटका लाखों रुपया, ग्राहक हो रहे हैं परेशान। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को पृथ्वीराज मार्ग स्थित SBI बैंक पर ग्राहकों ने हंगामा करते हुए बैंक प्रबंधन पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया है। कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा कराने के बावजूद उनके खातों में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ तो ग्राहक बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक प्रबंधन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ग्राहकों ने बताया कि उन्होंने अपना लाखों रुपया बैंक की मशीन में डिपॉजिट किया था, लेकिन अभी तक उनके खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे त्यौहार के समय पर व्यापारियों का पैसा अटकने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दरगाह आए हुए जायरीनों ने भी अपने परिजनों को मशीन के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे जो वहां नहीं पहुंचे। इस पर बैंक प्रबंधन गोलमोल रवैया वाला जवाब देकर अपनी भला टालने में लगा रहा। ग्राहकों ने बताया कि बैंक मैनेजर को कोरोना हो गया है, 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा जवाब दिया जा रहा है। वहीं मीडिया को भी बैंक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मामला ये है कि हम सब जने पब्लिक, ये SBI बैंक में नोट जमा करने की मशीन है, हमने अपने अपने खातों में मशीन द्वारा पैसे डाले थे और ये मैंने मेरे पैसे डाले थे सर 18/10 को, मतलब पिछले रविवार को मैंने पैसे डाले थे तो खाते में पैसे नहीं आए सर 19,500 रुपये, और ये पूरी लिस्ट है सर मेरे पास 3 लाख से 4 लाख रुपये। हम सभी लोग परेशान हैं, सबने पैसे मशीन में डाले थे, अब हम बैंक में इंक्वायरी करने आए हैं कि हमारा पैसा कहाँ गया, तो इन्होंने बोला आपका पैसा खाते में आएगा, किसी तकनीकी खराबी मशीन की खराबी के कारण आपका पैसा मशीन में ही रह गया। तो हमने कहा मशीन को खुलवा के अब हमारा पैसा खाते में ट्रांसफ़र करो, तो इन्होंने बोला 3 दिन पहले मैनेजर साहब को कोरोना हो गया तो 15 दिन तक कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने कहा त्यौहार का सीजन है, 15 दिन तक हम नहीं रुक सकते, तो बोले इसमें बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारे कहने पे उन्होंने मशीन में एक बोर्ड लगा दिया है कि तकनीकी अभी वो भी हमारे कहने पे लिखवाया है, और ये हमारे पास 15 जनों की लिस्ट है सर, ऐसे असंख्य लोग हैं। इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितना ब्याज भरना पड़ रहा है लोगों को? इसमें ब्याज सर ये भरना पड़ रहा है, महीने भर तक बैंक ये 4 लाख रुपये अपने पास रखेगी, अलग अलग सबका ब्याज हमको भरना पड़ेगा। ये पैसे मैंने मेरे व्यापारी को ट्रांसफर करने के लिए डाले इसमें, अब व्यापारी मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो कह रहा है कि दिवाली सामने मेरे को मेरा पेमेंट भेजो, मुझे 20 तो ये अटक गए, 20 और ब्याज पे लेके दूसरी जगह से उनको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही ये भाई साहब आए हुए हैं बाहर से, 58,000 रुपये अटके हुए हैं इनके, कानपुर से अविनाश गोयल मेरा नाम है सर, मैं अजमेर का ही वासी हूँ, और ये SBI बैंक वाले कोई काम करना नहीं, प्रकाश नगर गली नंबर 2 में मेरा मकान है सर, और ये बैंक वाले SBI बैंक वाले की दादागिरी रहती है। बैंक की जगह शाखा ये पृथ्वीराज मार्ग शाखा है सर, और ये सीधा साफ कहते हैं तुमको करना जो करो, इन्होंने सरकारी बैंक अपनी दादागिरी करते हैं सर, पब्लिक का पैसा फंसा रहता है। मैं दरगाह में आया था, मैंने ज़रूरत पड़ गई अचानक, तो सर मैंने पैसे डिपॉजिट किए दूसरे अकाउंट में सर, वो मेरा फंस गया 58,000 रुपये, और मैं सर 3 दिन से यहीं पे लेटा हूँ कि जो है मंडे को कंप्लेन करूँगा, आज कोई कंप्लेन नहीं हो रही है। अच्छा, तो किस तरह की आपको परेशानी आ रही है? मतलब कि पैसा मैंने मशीन में जमा किया सर, डिपॉजिट किया, उसके बाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया, मशीन ने फंस गया सर। सामने त्यौहार है, दिवाली है, सामने त्यौहार है सर, दिक्कत है घर में बहुत सी मशीन। सांभर के राजकीय चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ को लगाने के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन, सांभर की स्त्री रोग विशेषज्ञ को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया जयपुर। W गोस्वामी संवाददाता जयपुर ग्रामीण से। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सांभर लेक जयपुर सांभर के राजकीय चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ को जयपुर भेज देने से यहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि लोग लंबे समय से स्त्री रोग चिकित्सक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे महिलाओं को उपचार और प्रसव के लिए सांभर से बाहर जाना पड़ रहा है, साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर सोमवार को सांभर गोल्डन ड्रीम सोसाइटी के अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष सपना सपनानी के नेतृत्व में महिलाओं ने फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत को ज्ञापन सौंपा। साथ ही एक ज्ञापन की प्रति राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को ईमेल के माध्यम से भेजी गई, जिसमें सांभर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंगलचंद यादव की प्रतिनियुक्ति जयपुर से रद्द कर सांभर कराने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान सपना सबनानी, राजकंवर, सुमन परिहार, लक्ष्मी कुमावत, रश्मि सिंह, रिंकू सबनानी, बंशीलाल जाट आदि मौजूद रहे। धन्यवाद। सपना सबनानी सांभर से, निर्मल जी के होम में आए हैं और डॉक्टर का ज्ञापन दिया है। हमने पहले भी ज्ञापन दिए थे और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को भी हमने फैक्स किया था और सांभर में भी हमने दिए हैं और आगे भी, जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होगी जब तक हम ऐसे ही डट के रहेंगे। एक बात है, ये आपको पहले आज ही दिया मैंने ज्ञापन महिला शक्ति के तरफ से, इनके क्या नागरिक अधिकार मंच और गोल्डन ड्रीम सोसाइटी के तरफ से आज ज्ञापन दिया। इसके पहले भी मैं रघु शर्मा जी कांग्रेस के चिकित्सा मंत्री को भी दिया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मगर आपके तीन बार विधायक चुने गए, हमारा जनता तो आप ही को ही माई बाप मानते हैं, तो हमारा जनता लास्ट में यही फैसला किया कि आप ही के पास जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर तो दिखा जाएगा। तो आपकी क्या ख्याल? देखिए, सांभर में गायनी डॉक्टर पिछले 4-5 महीने से नहीं था, उसके लिए तमाम लोगों ने, सांभर के लोगों ने शिकायत भी की थी और मैं स्वयं चिकित्सा मंत्री जी से मिला था और प्रयास के बाद में बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर हमें मिला था और दुर्भाग्य से 1-1.5 महीने से उसको वापस जयपुर में डेपुटेशन पर ड्यूटी पर लगा दिया। उसके लिए लगातार सांभर की जनता से, माताओं बहनों की ओर से भी मांग आई है कि वो वहाँ ही रहे। मैंने भी प्रयास किया मगर दुर्भाग्य से सरकार इसको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। फुलेरा शहर से भी 2 डॉक्टरों को लगाया है, रैनवाल से भी 2 लगाया है, कि ये हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं वो इस पर पूरी तरह से फेल हैं। वो सिर्फ यहाँ राजनीति करने आते हैं, अपना दबदबा दिखाने के लिए आते हैं, मगर जनता की सेवा करना उनका उद्देश्य नहीं है। और आज ये ज्ञापन मुझे सांभर गोल्डन ड्रीम सोसाइटी से मिला है, निश्चित तौर पर मैं दोबारा मेरी ओर से प्रयास करके, और चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हॉस्पिटल बंद करना पड़े, कि तमाम काम हम भारतीय जनता पार्टी वाले सब सवाल आपके और करेंगे। अभी नगर पालिका के चुनाव के जो टिकट वितरण होगा, क्योंकि वार्ड भी बढ़ गया तो इसमें आपके जिस वार्ड में हमारा सीट, जैसे किसी में ओबीसी नहीं है, किसी में एससी एसटी नहीं है, तो उस वार्ड को कैसे बाहर से लिया जाएगा ना वो वार्ड से ही चुना जाएगा? देखिए, स्थानीय चुनाव है, स्थानीय लोगों को ही चुनाव कराना है और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि अच्छे, जिताऊ, ईमानदार, साफ सुथरी छवि के लोग चुनाव में आएं और जो भी परिस्थितियां चुनाव के समय बनेगी उसके हिसाब से पार्टी अपना निर्णय करती है। स्थानीय कोई प्राथमिकता रहती है, अगर कोई वहाँ नहीं लड़ने वाला होता है फिर बाहर से भी आके लड़ते हैं, मगर ऐसा कोई विषय नहीं है। मगर ये स्थानीय स्तर की है और तत्कालीन निर्णय होते हैं, इसके लिए पहले कुछ नहीं। लेकिन जहाँ तक हो तो अदर को नहीं लेके उसी वार्ड से लड़ाया जाए ना, तो वो अपने लिए या पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत है, अब पुराना अगर हम हिसाब देखेंगे तो मैं समझता हूँ पहले 20 वार्डों में से 18 लोगों ने स्थानीय चुनाव लड़ाया आज तक, तो ऐसा कोई नहीं है। कोई अपवाद होते हैं तो ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, अपना राज्य स्वतंत्र है, अपने शहर में से कोई सी भी कोई लड़ सकता है, मगर पहली प्राथमिकता उसी वार्ड की होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर जी, एक बात है और है, आपने 3 साल से हमारा फुलेरा विधानसभा का जनता का एकदम दिल में घुस गया, मगर आपने एक चीज भी दिखा दिया, जो भी आपने चेयरमैन बनाया वो भी आपके मापी की चेयरमैन बनाया जो जनता का सेवा कर सके। अभी सांभर में भी आपने बढ़िया चेयरमैन बनाया था जो सांभर की उन्नति के तर्ज पर बहुत अच्छा काम किया, अभी का चेयरमैन आप कैसे ढूंढेंगे? कोशिश करेंगे कि अच्छा आदमी आए और वापस जनता के इतना काम करें, और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी, इसके लिए जब तत्कालीन निर्णय होगा तब आपको जानकारी आ जाएगी। और एक चीज़ है सर जी, फुलेरा में जो हॉस्पिटल, ये पुराना हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, और अपने घर में ज्यादातर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ड्यूटी टाइम में अगर ऐसा आपने अचानक निरीक्षण करे तो उसमें बहुत ही अच्छा, जनता के लिए बहुत फायदादायक होगा, तो इसके लिए आपने क्या टाइम दे सकते? समय समय पे मैं मेरे हिसाब से ही कार्रवाई करता हूँ, क्योंकि अभी नया हॉस्पिटल है, हाल ही में शिफ्ट हुआ है,
कुछ कमियां होती है और उसके लिए उनको मौका भी दिया जाता है। डॉक्टरों की भी कमी है, उनको बार बार चेतावनी भी दी गई है कि आप लोग नियमानुसार सरकारी प्रक्रिया से काम करें, फिर भी कोई शिकायत आएगी तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जेलन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को 6 माह से नहीं मिला वेतन। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जिलाध्यक्ष गंगाशरण जाटव के नेतृत्व में जेलन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। जाटव ने बताया कि 2 मई 2020 को जिन नर्सिंग कर्मियों को जेलन मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग दी गई थी, उनमें से लगभग 45 नर्सिंग कर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते बाहर से आकर किराए के कमरे लेकर रह रहे नर्सिंग स्टाफ को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। कॉलेज प्रिंसिपल को भी कई बार कहा गया, लेकिन वह भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। ऐसे में उनके भविष्य पर अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं। लिहाजा जिला कलेक्टर मध्यस्थता कर जल्द से जल्द इन नर्सिंग कर्मियों को वेतन दिलाएं, अन्यथा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ पद पर कार्यरत हैं। हमारी ज्वाइनिंग 2 मई 2018 को हुई थी, आज 2020 को हुई थी, सॉरी। जब से लेके हमारे को वेतन नहीं मिल रहा है। हम प्रिंसिपल सर के पास भी जाके आए, हर महीने ऐसे बोला जाता है कि आपको सैलरी मिल जाएगी। हम लगभग 190 बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, उसमें से लगभग 100 की 1 महीने की सैलरी आ चुकी है। हम 45 बच्चे हुए हैं जिनके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज में सीट खाली नहीं है। जब हमें ज्वाइनिंग करवाया था, हमसे ये नहीं बोला था कि आपके लिए यहाँ सीट खाली नहीं है। हमें सैलरी कौन देगा? हम 6 महीने से यहाँ कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ बताइए मैडम, जब आप ड्यूटी के दौरान आपका स्वागत भी हुआ, माला भी पहने थे, फिर आपकी सैलरी नहीं आई, तो आपको माला वाला कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया है, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला है, 2 तारीख को हमने ज्वाइन किया है। उस टाइम हमें नहीं बोला कि आपकी क्या बोलते हैं, आपकी सीट खाली नहीं है। हमें 6 महीने घुमा रहे हैं, आपकी सैलरी आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, और अब बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए सीट खाली नहीं है। और अब हमसे चॉइस भी भरवाई जा रही है, हमें यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, हमारी सैलरी देगा कौन 6 महीने की? आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नवनियुक्त नर्सिंग कर्मचारी जो अप्रैल मई में ज्वाइन किए थे, उनके वेतन 6 महीने से नहीं मिल रहा है। चिकित्सालय प्रशासन को लिखित में व मौखिक वार्ता करके बार बार में जो नर्सिंग कर्मचारी हैं बार बार में निवेदन कर रहे हैं। साथ ही नर्सिंग एसोसिएशन के माध्यम से हमने भी बार बार में मांग पत्र के माध्यम से चिकित्सालय प्रशासन को लिख के दिया, पूर्व में कलेक्टर साहब के पास भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे कर्मचारियों को वेतन दिलाया जाए। अभी 23 तारीख को जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया, सभी ने सहमति पत्र दिया कि आप हमारी आवाज़ उठाओ, हमको 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। ये जो नर्सिंग कर्मचारी हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि सभी गरीब फैमिली से हैं और यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर के और रेंट पर रहते हैं। अब इस एक तो 2 महीने का लॉकडाउन था, उसके वजह आर्थिक और मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। अब इनको रहने खाने की काफ़ी समस्याओं की दिक्कत हो रही है, क्योंकि मकान जिस मकान में रहते हैं तो जो ऑनर होता है, मकान मालिक होता है, वो किराया मांग रहा है। अब ये सभी कर्मचारी गरीब फैमिली से थे, कहाँ से किराया दें? 6 महीने हो गए इनको, अगर सैलरी नहीं दी गई तो मजबूरन इन कर्मचारियों के साथ राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले ये आंदोलन पर, उग्र आंदोलन पर उतर जाएंगे। द स्मार्ट अजमेरियन ने गरीबों को कराया भोजन, शाम तक 600 जरूरतमंदों को भोजन कराने का रखा लक्ष्य।
आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन्स ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा कोरोना काल में निर्धन व पैसे की कमी से जूझते लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी कुछ सहायता की भावना से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से लगभग 600 लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई जिसमें गरीब मजदूर ई रिक्शा चालक बाहर से इलाज कराने आए गरीब मरीजों के परिजनों को सुबह से शाम तक भोजन कराया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के उपाध्यक्ष गुलजीत सिंह छाबड़ा एडवोकेट ने किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गौतम शारदा ने स्मार्ट अजमेरियन के इस जनसेवा के कार्य की सराहना करते हुए संस्था के सभी सदस्यों का आभार जताया। भोजन सेवा में दाल सब्जी अचार और रोटी आदि संस्था के सदस्यों ने ही सभी लोगों को परोसकर सेवा की। आज के सेवाकार में स्मार्ट अजमेरियन से जुड़े संरक्षक हरिराम कोडवानी मुख्य सलाहकार गिरधर तेजवानी अध्यक्ष सोना धनवानी गुलजीत सिंह छाबड़ा एडवोकेट दिनेश के शर्मा शीला चौधरी ने अपनी सेवाएं दी। स्मार्ट अजमेरियन जो हमारी संस्था है जो कि सदैव जो है सेवा के कार्यों में तत्पर रहती है पूरे 12 महीने उसी कड़ी में आज हमने GLN हॉस्पिटल के पास में जो इंदिरा रसोई है वहाँ आने वाले सभी को संस्था की तरफ से निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है जिसमें कि लगभग शाम तक हमारे 650 लोगों को संस्था की तरफ से निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। जो भी यहाँ का चार्ज होता है वो संस्था आज पे करेगी और आने वाले लोगों से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है और अभी हमने शुरू किया शाम के 5-6 बजे तक जो भी कार्यक्रम होगा। आज जो हमारी संस्था है जैसा कि सभी जानते हैं स्मार्ट अजमेरियन करके जिसका हमेशा से गरीबों के साथ में या गरीब तबके के लोगों के साथ में सामाजिक सरोकार रहा है सेवा देना हमारा फर्ज है। आज ऐसे ही हमें एक मौका मिला फिर से गरीबों की सेवा करने का तो हमने आज लगभग 600 आदमियों के लिए JLN अस्पताल स्थित इंदिरा रसोई पर भोजन की व्यवस्था कराई है और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में डॉक्टर गौतम शारदा उपस्थित रहे। उन्होंने बहुत सहयोग किया। हमारी संस्था जहाँ जहाँ भी ऐसे मौके मिलेंगे कि हमें गरीबों की सेवाएँ करनी है तो हमने यहाँ पर आज हमारी जो संस्था है उसकी तरफ से 600 लोगों का निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया। कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में दी गई मां को विदाई श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सूक्ष्म तरीके से अदा की सिंदूर की रस्म नहीं हुआ सिंदूर खेला। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन्स ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में सोमवार को दशमी का उत्सव मनाते हुए मां को विदाई दी गई। इस अवसर पर सूक्ष्म तरीके से सिंदूर की रस्म अदा करते हुए माता को सिंदूर चढ़ाया गया। सपना बनर्जी ने बताया कि षष्ठी से दसवीं तक हर साल बंगाली धर्मशाला में बंगाली समाज के लोग बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं लेकिन इस बार कोरोना के चलते आयोजन को बड़े रूप में नहीं किया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने परंपरा का निर्वहन किया है। दशमी को माता को सिंदूर चढ़ाया गया है। इस बार कोरोना महामारी के चलते सिंदूर खेला का आयोजन नहीं हुआ। इस बार जैसे कि आप सबको पता है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना के कारण में सोशल डिस्टेंसिंग में है तो हमने भी उसका पूरा ध्यान रखा है। हमने जो सिंदूर खेला बहुत ज्यादा लेवल पे होता था उसको बिल्कुल कम लेवल पे किया है। पूरा 20-25 जने से यहाँ पे गैदर रहे हैं और उसके अलावा आज माँ की विदाई का दिन है तो हम अभी जो विसर्जन शाम को था तो वो भी हम 12 बजे आज आजम करेंगे सिर्फ कोरोना के कारण। भक्त मालादास ने बताया कि राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा में लोग शामिल हुए। माँ दुर्गा से प्रार्थना की गई है कि जल्द से जल्द कोरोना का अंत हो ताकि अगले साल दुर्गा पूजा पहले की तरह धूमधाम से करें। ये आज हमारी बंगाली धर्मशाला जो कचहरी रोड पे है इसमें सालों से यहाँ पूजा हो रही है और आज ये दशहरे का दिन है माँ का मतलब विदाई का दिन होता है। हमारे छठी से माँ का आवागमन होता है माँ को बुलाते हैं और 4 दिन पूरी पूजा करके आज इनको तिलक पुलक करके सब विदाई करते हैं जिससे माँ सबका आशीर्वाद रखे कि आने वाला साल हमारा सबका अच्छा बीते। और हमने ये त्यौहार पूरा सोशल डिस्टेंसिंग करके मनाया गया है
इसमें सारी चीज़ें जो भी अभी सरकार ने बोल रखी उस तरह से हमने मेंटेन करा है। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाला साल सबका अच्छा हो और माँ के आशीर्वाद से हम अच्छा है। जन अभियान के तहत नगर निगम निभा रहा है अपनी सहभागिता। कोरोना के प्रति जन जागरण के लिए आयोजित की जा रही है विभिन्न तरह की प्रतियोगिता। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 2 अक्टूबर से राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जन अभियान में जिला प्रशासन के सहयोग से नगर निगम भी अपनी सहभागिता निभाते हुए कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरह के आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में आज मटेल मैदान में कोरोना जागरूकता अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पहला मैच पुलिस विभाग और मीडिया के बीच खेला गया, वहीं दूसरा मैच नगर निगम और स्मार्ट सिटी विभाग के बीच हुआ। आज शाम को सेमीफाइनल होगा, कल फाइनल के साथ टूर्नामेंट का समापन होगा। जीतने वाली टीम को आकर्षक उपहार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो लोग यहां खेल रहे हैं और मौजूद हैं वे सभी लोग कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। लोगों से अपील है कि वे सदा मास्क लगाकर रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी तरह से कोरोना से बचा जा सकता है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो 2 अक्टूबर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरण जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें जिला प्रशासन और निगम के सहयोग से लगातार नगर निगम के द्वारा कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ की जाती रही है जिससे आम पब्लिक में प्रोत्साहन मिले, आम पब्लिक को जागरण, जन जागरण हो, आम पब्लिक को इसमें कम से कम मोटिवेट हो कि उनको मास्क लगाना है, उनको सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंस की पालना करनी है। इसी के तहत आज ये जो हमारा अंतर विभागीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो चालू किया गया है, आज सुबह पहला मैच पुलिस विभाग और मीडिया विभाग जो है उनके बीच में था और सेकंड मैच अभी चल रहा है जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी के विभाग के बीच है। शाम को आज एक सेमीफाइनल 4 बजे और होगा, कल इसका 4 बजे फाइनल किया जाएगा और जो भी टीम जीतेगी उन्हें आकर्षक शील्ड दी जाएगी। रनर अप और विनर्स को, दोनों को आकर्षक जो है शील्ड दी जाएगी। और इससे यही हमारा उद्देश्य रहेगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहने का कि जितने भी यहाँ देख रहे हैं, जितने यहाँ खेल रहे हैं, वो मोटिवेट होकर के आम पब्लिक में ये जन जागरण फैलाए कि कम से कम मास्क, घर से निकलना है तो मास्क लगा के ही निकलना है और अपनी सोशल डिस्टेंस को कायम रखना है। ठीक। महिला जागृति मंच द्वारा कोरोना जन जागरूकता में निभाई सहभागिता, मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। सोमवार को महिला जागृति मंच पंचशील अजमेर की ओर से जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पंचशील नगर में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए मंच की सदस्यों ने कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न नारों और संदेशों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती तब तक मास्क ही बचाव है, अपने घरों, आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखकर स्वच्छता को अपनाने का संकल्प कराया गया। मंच के अध्यक्ष पूजा तोलवानी ने बताया कि मंच के सदस्यों द्वारा लिखित स्लोगन और नारों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान में सहभागिता निभाते हुए लोगों से अपील की है कि डरे नहीं, घबराए नहीं, बस सावधानी बरतते हुए अपने कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और धंधे पर ध्यान देते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें। इस दौरान मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। मंच की सदस्य ज्योति काकानी और स्मिता सेनी ने बताया कि मंच की ओर से समय समय पर इस तरह के कार्य शहर के विभिन्न स्थानों पर किए जाते रहेंगे। रैली राजीव सर्किल से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई डीमार्ट पर संपन्न हुई। रैली में लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया। आज महिला जागृति मंच अजमेर की ओर से पंचशील नगर में एक रैली का आयोजन किया गया। जन जागरूकता अभियान में सहयोगिता देते हुए मंच के सदस्यों ने लोगों को समझाया
कि कोरोना महामारी से डरे नहीं, घबराए नहीं, सतर्कता और सावधानी बरतें, मास्क लगाते रहें और सामाजिक दूरी बनाते हुए एक दूसरे का सहयोग किस तरह से किया जाए और सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोके स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अपने कारोबार, रोजगार, धंधों और नौकरी पे ध्यान दिया जाए और उनका विस्तार किया जाए ताकि देश की, समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ चलती रहे और अपनापन और भाईचारा भी कायम रहे। रैली में करीबन कितनी महिलाओं ने भाग लिया? रैली में करीबन 200 महिलाओं ने भाग लिया और जन भागीता और जन सहयोग इसके थ्रू हमने आज रैली का आयोजन किया है। महिला जागृति मंच समय समय पर इस तरह की रैली और सामाजिक सरोकार के कार्य करता रहता है और आगे भी करता रहेगा। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज से हुआ शुरू। 26 से 14 नवंबर तक चलेगा अभियान। मिलावट की सूचना देने वाले को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों, दूध उत्पादों और मिठाई आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की टीमें मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। जांच में अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मिलावट की सूचना देने वालों को 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अभियान के अंतर्गत दूध, मावा, पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल व घी की जांच, सूखे मेवे, मसालों की जांच और बांट एवं माप की जांच भी की जाएगी। अभियान में मिलावट करने वाले निर्माताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51,000 रुपए राशि दी जाएगी। यह राशि स्वास्थ्य के लिए घातक उत्पादों की मिलावट की सूचना देने पर मिलेगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। इस राशि का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की जांच के बाद निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखते हुए किया जाएगा। आज से शुरू हुए अभियान में शामिल पहले जांच दल में उपखंड अधिकारी अजमेर अवधेश मीणा, टीम लीडर पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी, LMO मनीष भटनागर, प्रवर्तन अधिकारी राहुल भावरिया, हिमानी पिपलीवाल, अंकिता जैन, अजमेर डेयरी प्रतिनिधि संजय शर्मा, गुणवत्ता नियंत्रक डेयरी देवराज मौजूद रहे। इसी तरह दूसरे जांच दल में प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन, टीम लीडर, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय गोयल, LMO भावना दयाल, प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षक सुरेंद्र भारती, योगेश मिश्रा, खान मोहम्मद, अजमेर डेयरी प्रतिनिधि सुमित कंगवा, गुणवत्ता नियंत्रक डेयरी हरेंद्र शामिल हैं, जिनके द्वारा जिले भर में सैंपलिंग लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान है उसकी आज शुरुआत की गई है और अभी पहली दुकान हमने चेक की है। तो यहाँ जो भी त्यौहार का सीज़न है तो जो मावे की दुकान है सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी है वही रहेगी। तो मावे की दुकान पे हमने इमीडिएट सैंपलिंग चेक भी की है, स्टार्च का टेस्ट किया है और इसके बाद सैंपल कलेक्शन करके हम लैब भी भेजेंगे और जहाँ भी हमें इस प्रकार का सामान मिलता है या तो सब स्टैंडर्ड मिलेगा या फिर इंजोरियस मिलेगा तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे और सामान को डिस्ट्रॉय करवाएंगे और फिर उस दुकान के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। कब तक रहेगी ये अभियान? ये पूरा अभियान लगभग 20 दिन का है। तो दिवाली के त्यौहार के मद्देनज़र जैसे मावे और बाकी चीज़ों की भी डिमांड बढ़ जाती है खाद्य पदार्थों की, तो उसके अनुरूप ही ये पूरा 20-25 दिन तक अपना स्कीम चलेगा।
अजमेर पुलिस लाइन में पुलिस जवानों का हो रहा है फिजिकल एग्जाम। 200 हेड कांस्टेबल का परीक्षा परिणाम देर शाम होगा घोषित। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर पुलिस के बेड़े में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर पदोन्नति की लिखित परीक्षा होने के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जवानों का आज पुलिस लाइन में फिजिकल एग्जाम हुआ। अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया और जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जवानों का शारीरिक दक्षता और हथियार ज्ञान का परीक्षण किया गया। एएसआई के 13 पदों सहित 30 पदों के लिए फिजिकल परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसका परिणाम देर शाम घोषित कर दिया जाएगा। रामगंज थाना अंतर्गत संत फ्रांसिस नर्सिंग कॉलेज के गोदाम से 3 लाख रुपए का बिजली का सामान चोरी। परिवादी बाइजू जॉन ने रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रामगंज थाना अंतर्गत बाबा बादाम शाह आश्रम के पास निर्माणाधीन संत फ्रांसिस नर्सिंग कॉलेज में बिजली का काम चल रहा था, जहां से 25 अक्टूबर को गोदाम की जांच करने पर पता चला कि बिजली के वायर के बंडल और अन्य सामान चोरी हो गया है। परिवादी बाइजू जोन ने बताया कि लगभग 3,02,000 रुपये का सामान चोरी हुआ है, जिस पर रामगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला यह था, 23 तारीख को शाम को गोदाम बंद करके गया था और 24 तारीख को काम आया नहीं इसी चीज़ का, तो गोदाम खुला नहीं। 25 तारीख को सुबह 11 बजे करीब आकर गोदाम खोल के देखा, तब तो तार और कुछ डोर फिटिंग वगैरह कब्जा वगैरह रखा हुआ था, वो गायब था। तो हमने पूरा बाहर निकाल के घूम कर देखा तो बाउंड्री खोद के कोई बंदा आया हुआ था और खिड़की का प्लाई निकाल के सामान लेके गया हुआ, तो उस बाहर के साइड में कार्टून वगैरह सब बिगड़ा पड़ा था, सामान सब गायब। लगभग कितने का? करीब लगभग 3,02,000 रुपए का सामान था। क्या क्या था? इलेक्ट्रिकल वायर था, वायरिंग का, 2 mm का, 1.5 mm का, 1 mm का वायर और स्टील का कब्जा वगैरह था। कब की बात है सर ये? हमने 25 तारीख को सुबह 11 बजे देखा था। रिपोर्ट कहाँ कराई आपने? रामगंज थाने में। कितने लोगों के होने की शंका सर? 3 से ज़्यादा लोगों का है। बाउंड्री को ऊपर से निकाल के इतना अगर भारी सामान लेके जाना है, एक आदमी दो आदमी का से संभव नहीं है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि परिवादी बाइजू जॉन ने थाने पर रिपोर्ट दी है कि उनके नर्सिंग कॉलेज के गोदाम से बिजली के वायर के बंडल व अन्य सामान चोरी हो गया है, जिनकी कीमत 3,02,000 रुपए बताई जा रही है। इस पर IPC की धारा 457-380 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला दर्ज हुआ है और कहाँ चोरी का? दिनांक 25/10/2020 को थाने पर उपस्थित होकर बीजू जॉन स्नोप यस जॉन ने रिपोर्ट दी कि संत फ्रांसिस नर्सिंग कॉलेज बाबा बदामसा आश्रम के पास में बिजली के वायरिंग का फिटिंग का काम चल रहा था। वहां पर बिजली के वायरिंग के बंडल रखे हुए थे, इसको रात्रि में कोई अज्ञात चोर चुरा के ले गया है, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है और माल और मूल जिन दोनों की तलाश है। लगभग कीमत कितनी है माल?
मेरे परवादी ने अपने माल की कीमत 2,03,002 रुपये बताए हैं लगभग। किन दरों में मुकदमा दर्ज हुआ? 457-380 में मुकदमा दर्ज। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक रावण का दहन हुआ सूक्ष्म स्तर पर। पंचशील बी ब्लॉक में स्थानीय बच्चों ने मनोरंजन के लिए प्रतीकात्मक रावण का पुतला जलाया। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पंचशील बी ब्लॉक में विजयादशमी के अवसर पर नवयुवक नवदुर्गा मंडल के द्वारा बच्चों की मांग पर सूक्ष्म स्तर पर रावण दहन का आयोजन किया गया। मंडल के मुकेश आहूजा ने बताया कि हर साल यहां बड़े पैमाने पर डांडिया रास और रावण दहन का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। स्थानीय बच्चों की मांग पर छोटा सा रावण दहन का आयोजन कराया गया है। हर साल की बात ही पंचशील बी ब्लॉक में नवयुक्त मंडल द्वारा रावण दहन किया जाता है, डांडिया रास भी किया जाता है, पर कोरोना महामारी के कारण इस बार छोटे से रूप में हमने रावण दहन किया। तो बच्चों की फरमाइश थी तो हमने कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रावण दहन किया, क्योंकि बुराई पर अच्छा की जीत हुई है आज। और मैं सबको विजयदशमी पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ अजमेर जिलेवासियों को, और ये काफ़ी कम संख्या में हमने सोशल डिस्टेंस करते हुए रावण दहन किया। और हर साल हम रावण दहन करते हैं, पर इस साल थोड़ा सा कोरोना के कारण हमने कम संख्या में करके रावण दहन किया हमने यहाँ पे। इतने सालों से घर पे होते थे, घर पे कम से 10 साल से घर पे हो रहे हैं यहाँ पे, पर हमने इस बार घर पे नहीं रखे हैं, पर एक थोड़ी बच्चों की फरमाइश थी कि रावण दहन किया जाए, तो हमने छोटे प्रकार में रावण दहन किया है यहाँ पे। और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, और ये एक शगुन था हमारे, एक काफ़ी फरमाइश थी कि रावण दहन किया जाए यहाँ पे। क्या क्या हुआ है यहाँ पे भाई? आज हमने रावण दहन किया, और लक्ष्मण, राम और हनुमान ने कभी इसमें युद्ध, उन्होंने रावण से युद्ध किया और उनकी पराजय हुई, और हमने रावण दहन किया। वहीं राम का किरदार निभाने वाले दक्ष तिलोकानी ने बताया कि हर साल यहां रामलीला भी होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ रावण और राम का प्रतीकात्मक युद्ध करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया गया और रावण जलाया गया। हां बताओ। आज मैंने राम भगवान का रूप लिया, और मेरा एक दोस्त जो है वो लक्ष्मण बना, और मेरा तीसरा दोस्त हनुमान जी बना। हम हमेशा हमारी कॉलोनी में अच्छा बड़ा आयोजन करते हैं, डांडिया का भी कार्यक्रम करते हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए हमने छोटा सा कार्यक्रम करा, रावण दहन का छोटा सा कार्यक्रम करा, और इसमें सब लोगों ने सहयोग दिया, और धन्यवाद। वहीं एकांश आहूजा ने बताया कि नवयुवक मंडल नवदुर्गा मंडल हर साल लोगों के सहयोग से यहां बड़े स्तर पर गरबे और रावण दहन का आयोजन करता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार कोई आयोजन नहीं किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी ने आयोजन में भाग लिया। हर साल की बात ही, इस साल भी पंचशील बी ब्लॉक में नवयुवक नवदुर्गा मंडल के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे हर साल यहाँ पर लगभग पिछले 10 सालों से गरबा रास और रावण दहन का कार्यक्रम बहुत अच्छे लेवल पे होता है, पर इस बार कोरोना महामारी के कारण सब पे अनुमति नहीं थी, तो इसलिए गरबा रास का आयोजन नहीं किया गया। जबकि सब कॉलोनी वासियों की और बच्चों की फरमाइश पर यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया, सबने मास्क का प्रयोग किया, और छोटा सा एक हमने राम लक्ष्मण का और रावण का युद्ध करवाया उसमें, और फिर उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। स्मार्ट सिटी की सुंदरता पर बट्टा लगा रहे गेंट्री पर लगे विज्ञापन। नगर निगम ने ठेकेदारों को ठेका देकर कर ली इतिश्री, कोई अधिकारी नहीं करता इसकी जांच।
आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। अजमेर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी अजमेर में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर दिशा और मार्ग सूचक गैंट्रियां लगवाई गई, जिन्हें कुछ वक्त तक संभालने के बाद इनका ठेका ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया गया। स्मार्ट सिटी अजमेर में आने वाले पर्यटक और यात्रियों को यहां के मार्गों और जरूरी स्थानों की जानकारी देने के लिए यह गैंट्रियां लगवाई गई थी, लेकिन नगर निगम की कार्यकुशलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह गैंट्रियां अब विज्ञापन का केंद्र बन चुकी हैं। निगम द्वारा शहर में यूनिपोल गैंट्री और होर्डिंग्स ठेकेदार को देकर किराया वसूल किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार इसकी आड़ में इनके ऊपर ही विज्ञापन लगाकर निगम को चूना लगा रहा है। वहीं निगम का कोई भी अधिकारी शहर में घूमकर इसकी जांच ही नहीं करता कि गैंट्रियों पर विज्ञापन क्यों और कैसे लगाए जा रहे हैं। आज जब निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता से मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा और उचित कारण नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये जो गैंट्री हैं सामान्यतः बाकी विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स हैं या निगम के भी हैं जिनको हमने हमारे ठेके पे भी दे रखा है, तो गेंट्रीज भी हमने ठेके पे दे रखी है। तो गेंट्री में आधा पार्ट जो है उस पर चिन्ह लगे होते हैं जो कि आवागमन के लिए सहायक होते हैं, सूचक चिन्ह होते हैं, और आधे पार्ट में वो ठेकेदार को अपना विज्ञापन करना होता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी जानकारी में आया या अभी पिछले दिनों कि सभी जगह उन ऐसे सूचक चिन्हों पे भी लगा दिया गया है, तो हम जितने भी हमारे जो गैंट्री के ठेकेदार हैं उन्हें नोटिस जारी करेंगे कि जहाँ भी जो सूचक चिन्ह अंकित है और जहाँ कहीं भी इसका डिवाइडेशन जो दिखाया जा रहा है तो उन पे नहीं लगें, और अगर विज्ञापन वो कराते हैं तो सिर्फ अपने क्षेत्र में करें। और उसके अलावा अभी हमने हमारे अन्य कर प्रभारी को पाबंद किया है कि ऐसी गैंट्रियों को चेक करके और अगर इस तरीके के जहाँ सूचकों के ऊपर लगे हुए हैं तुरंत प्रभाव से उनको आज हटाएंगे। फिर भी अगर लोग कुछ लगाते हैं तो देखिए उसकी ठेकेदार की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ठेकेदार की, तो उसको हम नोटिस जारी करके और उसको इसके संबंध में पाबंद करेंगे, नहीं तो उसके ऊपर भी जुर्माना पेनल्टी वगैरह का प्रावधान होता है। पालिका चुनाव में टिकट वितरण को लेकर विधायक से की चर्चा, पार्टी में आपसी चर्चा कर योग्य उम्मीदवार का किया जाएगा चयन। जयपुर ग्रामीण से संवाददाता डब्लू गोस्वामी की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन हाईटेक कंप्यूटर लैब मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक स्किल बेस्ड लर्निंग एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एडमिशन ओपन BCA BBA फैशन डिजाइन इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल महाराणा प्रताप नगर कोटरा अजमेर। सांबर लेक जयपुर फुलेरा विधायक निर्मल कुमाव से आगामी नगर पालिका चुनाव में सांबर फुलेरा जोबनेर में क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार से टिकटों का वितरण किया जाएगा व किस प्रकार से पालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा, इस बारे में संवाददाता डब्लू गोस्वामी द्वारा पूछे जाने पर विधायक ने कहा कि स्थानीय वार्डवासियों की राय के आधार पर स्थानीय वार्डवासी को ही प्राथमिकता देते हुए साफ ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। पूरी भाजपा की टीम द्वारा सभी की आपसी सहमति से योग्य उम्मीदवार का चुनाव होगा। पूरे वार्डवासियों की सहमति और इच्छा का भी ध्यान रखा जाएगा जिससे वो जीत कर जनता की सेवा कर सके, जिससे वार्डवासियों के समस्त विकास कार्यों के साथ ही सांभर का भी विकास हो सके। सर जी, इलेक्शन नगर पालिका चुनाव सामने आ गया, इसके लिए फुलेरा सांभर में दौड़ चालू हो गया टिकट के लिए, तो वार्ड भी बढ़ गया, तो इस चक्कर में आप 3 बार चुनाव में MLA चुनाव में जीता है, जनता को, जनता ने आपको माई बाप मान के रखा है, बड़े बड़े अधेर को धेड़ कर करके आपने उसको निकाल दिया, मगर आज आपने ये नगर पालिका चुनाव कैसे कराएंगे और
आपने जो सांबर फुलेरा के चेयरमैन बनाया था ये भी बहुत अच्छा काम किया। अभी के चेयरमैन कैसे बनेगा, क्या करेंगे, आपके डेपुटेशन में और आपके देख रेख में सारे काम होंगे। देखिए, स्थानीय चुनाव है नगर पालिकाओं के, और पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के ही बोर्ड पूरे विधानसभा में रहे हैं, और तीनों बोर्डों ने, चाहे फुलेरा हो, चाहे सांबर हो, चाहे किशनगढ़ रहने वालों, बहुत अच्छा काम किया है। जनता स्वयं अपने मुँह से बोलेगी, और जब चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी निश्चित तौर पर विकास के दम पे, अपनी ईमानदारी के दम पे, साफ छवि के दम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वापस जनता के बीच में जाएंगे, और ये तीनों बोर्ड वापस हमारे बढ़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और टिकट कैसे आप बांटेंगे सर जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें हमारे प्रदेश की भी टीम है, जिले की भी टीम है, हमारी लोकल टीम है, सब लोग मिल बैठ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की सहमति से प्रत्याशियों का चयन करते हैं। उसमें अच्छे से अच्छे प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी उसी वार्ड के रहने वाले हों, उन सबको प्राथमिकता के आधार पर सूची बन के तैयार होती है, और उसी के आधार पर सबसे आम राय करके ही टिकट मिलते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने कह दिया कि मैं टिकट दिला दूंगा या ले आऊँगा, हमारे पूरा संगठन काम करता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये नहीं होती, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।